हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून क्लास थ्री। चलते हैं बच्चों, मैथ के बुक से 96 नंबर पेज आज पढ़ेंगे, ठीक है? आई जे के एल, इसके बाद ये लेशन खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए बच्चों, ये 96 नंबर पेज है और आपके सामने आई नंबर क्वेश्चन। आउट ऑफ 42 पीपल्स ईटिंग फूड इन ए रेस्टोरेंट, 1/7 ऑफ देम आर ईटिंग चाइनीज फूड। हाउ मेनी पीपल आर ईटिंग चाइनीज फूड, कहते हैं ना आउट ऑफ 42 पीपल्स। आई क्वेश्चन नंबर आई, पीपल कितना है टोटल? 42 है ना। अब लिखेंगे, थोड़ा दोनों हाथ से पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, चाइनीज फूड ईटिंग 1/7, इसलिए 42 मल्टीप्लाई 1/7 करेंगे, कितने बार में कटेगा? 6 बार में। राइट आंसर 6 पीपल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जे, देर आर 60 स्टूडेंट इन ए क्लास 2B, 2B क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जे नंबर। आउट ऑफ 4/5, आउट ऑफ 4/5 आर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। देखिए टोटल 60 है और बॉयज इतने हैं, तो हम बॉयज का संख्या निकालेंगे। 60 मल्टीप्लाई 4/5, 12 × 5 = 48, तो हम निकालेंगे गर्ल्स कितनी है। तो याद रखिए 60 में 48 को घटा दीजिए, राइट आंसर 12 हो गया, ठीक है। जे के बाद में हम के को देखते हैं। राइट द नोमिनेटर एंड डोमिनेटर। अब देखिए आपको नोमिनेटर कौन है ये बताना है और डिनोमिनेटर कौन है ये बताना है। याद रखिएगा, किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर वाले अंक को नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो पहला का क्वेश्चन है 7/8, तो देखिए 7/8 में न्यूमिनेटर क्या हो गया 7, डिनोमिनेटर क्या हो गया 8। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा में 0/4 है, तो भैया 0 न्यूमिनेटर हो गया, 4 डिनोमिनेटर हो गया, इसी तरह से सारा बनाएंगे, ठीक। एल नंबर देखते हैं, मैच द फॉलोइंग 1/5। चलिए तो यहां देखिए 1/5 आ गया, 1/2, 1/2 का मतलब हाफ होता है, यहां आ गया 5/7, 5/7 यहां चला गया, 9/11, 9/11 यहां चला गया, 3/4 सामने है। ओके बच्चों, थैंक यू।